जी हाँ गाइज, इटली गवर्नमेंट ने लगभग 82,000 वीज़ाज जो है इशू कर दिए हैं। यानी गाइज, इटली की गवर्नमेंट लगभग 82,000 लोगों को 2023 में बुलाना चाहती है इटली में। एंड गाइज, इसका जो रीज़न है वो ये है कि इटली में वर्क शॉर्टेज है। यानी गाइज, वर्कर्स वहाँ पर नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसी है जिनमें वर्कर्स की शॉर्टेज है। तो इसी के चलते गाइज, जो इटली गवर्नमेंट है उसने एक बड़ा डिसीज़न लिया, उसने टोटल 82,000 नए वर्क वीज़ाज इशू कर दिए हैं। एंड गाइज, इन वीज़ाज में 44,000 जो वीज़ाज रहेंगे वो रहेंगे सीजनल वर्क वीज़ाज। एंड गाइज, जो बाई के वीज़ाज रहेंगे वो रहेंगे नॉन सीजनल वर्क वीज़ाज। एंड गाइज, इन सभी वीज़ाज की खास बात ये है कि इन वीज़ाज के अंदर गाइज आप लोग इटली जा सकते हो, भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि गाइज इन वीज़ाज के लिए इटली गवर्नमेंट ने कोई भी फीस नहीं रखी है। आपको गाइज ये वीज़ाज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। बट गाइज, इन वीज़ाज को लेने के लिए पूरा प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना होगा। एंड गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग इंडिया से, नेपाल से, पाकिस्तान से, किसी और भी कंट्री से इटली जा सकते हो और किस तरह से आपको वर्क वीज़ा मिलेगा। एंड गाइज, नॉन सीजनल वर्क वीज़ाज एंड सीजनल वर्क वीज़ाज होते क्या हैं और कौन कौन लोग एलिजिबल है, कौन कौन लोग इन वीज़ाज को लेकर इटली जा सकते हैं। एंड गाइज, इटली के सीजनल या नॉन सीजनल वर्क वीज़ाज हमें कितने दिनों में मिल सकते हैं या फिर हम इटली जाकर कितनी सैलरी पर मंथ अर्न कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में गाइज मैं आपको डिटेल से सारी चीज़ों को समझाऊंगा। तो गाइज, वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं करना है, वीडियो को शुरू से एंड तक कंटिन्यू देखते रहे ताकि गाइज आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ प्रॉपरली। बट गाइज, देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इटली के जो सीजनल वर्क वीज़ाज होते हैं वो क्या होते हैं, जो नॉन सीजनल वर्क वीज़ाज होते हैं वो क्या होते हैं। सो गाइज, इटली का जो सीजनल वर्क वीज़ा होता है, उस वीज़ा के अंदर जो इटली के एम्प्लॉयर्स होते हैं वो आपको इटली में बुला सकते हैं। एंड गाइज, उनको जो है इटली गवर्नमेंट को कोई भी फीस पे नहीं करनी होती इन वीज़ाज के अंदर आपको बुलाने के लिए। आप गाइज फ्री ऑफ कॉस्ट इन वीज़ा के अंदर जा सकते हैं इटली। तो ये जो वीज़ाज होते हैं गाइज, इन वीज़ाज का ड्यूरेशन होता है 9 मंथ्स तक का, यानी आप इटली में जाकर 9 महीने तक काम कर सकते हो। इन वीज़ाज के अंदर गाइज अच्छी बात ये होती है कि अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, यानी आप 5th पास हो, 6th पास हो या फिर आप बिल्कुल भी पढ़े लिखे रहे हो, तब भी आप गाइज इन वीज़ाज के अंदर इटली जा सकते हो। बट आपके पास में अच्छा एक्सपीरियंस एंड स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपकी एज 55 साल तक की भी, तब भी आप इन वीज़ाज के अंदर गाइज इटली जा सकते हो। एंड गाइज, अगर आपको इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती, आप बेसिक इंग्लिश जानते, तब भी आप इन वीज़ाज में इटली जा सकते हो। ये होता है गाइज इटली का सीजनल वर्क वीज़ा। इन वीज़ाज में हमें देखिए कौन सी जॉब्स मिलती है वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। इन वीज़ाज के अंदर गाइज हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जॉब मिल जाएगी, जैसे फार्म वर्कर, फ्रूट पिकर, वेजिटेबल पिकिंग जॉब्स एंड कीवी पिकिंग जॉब्स, ग्रेप्स पिकर जॉब्स एंड डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड जॉब। इस तरह की गाइज जॉब्स जो होती है वो हमें मिल जाती है इटली के सीजनल वर्क वीज़ा के अंदर। तो टोटल जो है इटली गवर्नमेंट ने 44,000 सीजनल वर्क वीज़ा दे चुके हैं, लगभग 44,000 लोग गाइज इस वीज़ा को लेकर इटली जा सकते हैं। एंड गाइज, इसके अलावा जो इटली का नॉन सीजनल वर्क वीज़ा होता है वो क्या होता है, मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। तो गाइज, इटली का जो नॉन सीजनल वर्क वीज़ा होता है उसके अंदर भी देखिए, जो इटली के एम्प्लॉयर्स होते हैं वो फॉरेन वर्कर्स को हायर करते हैं। एंड गाइज, इस वीज़ा के अंदर आप इटली जाकर लगभग 2 ईयर्स तक काम कर सकते हो। एंड गाइज, इटली के नॉन सीजनल वर्क वीज़ाज आपको हॉस्पिटलिटी लाइन में मिल जाएंगे, मीडिया सेक्टर में मिल जाएंगे, एंड गाइज एंटरटेनमेंट सेक्टर में मिल जाएंगे, एंड गाइज सेम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ये वर्क वीज़ाज मिल जाते हैं। तो इन वीज़ाज में गाइज वो लोग जा सकते हैं जिनके पास अच्छी क्वालिफिकेशन होती है, स्किल्स होती है, या जो लोग 12th पास या ग्रेजुएट होते हैं वो गाइज जा सकते हैं। एंड जिनके पास अच्छी नॉलेज होती है उनके फील्ड से रिलेटेड, सिर्फ वही लोग गाइज इटली के नॉन सीजनल वर्क वीज़ा के अंदर इटली मूव हो सकते हैं। इटली के नॉन सीजनल वर्क वीज़ा के लिए गाइज कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो आपको फुलफिल करना होगा, तभी आप गाइज इटली का नॉन सीजनल वर्क वीज़ा ले सकते हो। एंड गाइज सेम ये वीज़ाज भी इटली गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करती है, एंड इस साल भी देखिए इशू किया है। नॉन सीजनल वर्क वीज़ा के अंदर भी गाइज आप इटली फ्री ऑफ कॉस्ट मूव हो सकते हो। तो ये गाइज मैंने आपको बताया कि इटली का सीजनल और नॉन सीजनल वर्क वीज़ा होता क्या है। वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे बट उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। गाइज इन्फॉर्मेशन ये कि देखिए अभी जो है इटली की एक नई प्राइम मिनिस्टर बनी है जॉर्ज मियलानी, एंड गाइज उन्होंने देखिए एक बिल पेश किया है, जैसे हमारे यहाँ पर इंडियन संसद भवन में किया जाता है कि कोई अगर बिल हमें देना है तो हम संसद भवन दे देते हैं। सेम ही तरीके से गाइज इटली की जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक बिल सबमिट किया है और उस बिल में गाइज उन्होंने रिक्वेस्ट किया इटली गवर्नमेंट
से कि इटली में जो है गाइज इंग्लिश लैंग्वेज को बैन कर देना चाहिए। जैसे कि गाइज आप लोगों को पता है कि देखिए चाइना में सिर्फ चाइनीज लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे रशिया में सिर्फ रशियन लैंग्वेज बोली जाती है, वहाँ पर इंग्लिश बैन है। तो इसी तरह से गाइज इटली गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की है कि वो जो है इटली में इंग्लिश लैंग्वेज को बैन करें, वहाँ पर इटालियन लैंग्वेज बोली जाए या फिर वहाँ का जो काम हो इटालियन लैंग्वेज में हो। तो ये गाइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, बट आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइस। अभी ये जो बिल है पास हुआ नहीं है, अगर ये बिल पास भी हो जाता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस बिल के अंदर गाइस फिर इटालियन गवर्नमेंट के अंदर लोग होते हैं उनको ये हुआ कि वो काम होता है जो पेपर वर्क होता है उनको इटालियन लैंग्वेज में करना है, एंड सिर्फ वही लोग इंग्लिश का यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ वही लोग इटालियन लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो इसका जो मेन रीज़न है गाइस वो ये है कि देखिए इटालियन जो गवर्नमेंट है, जो नई प्राइम मिनिस्टर, वो ये सोचती हैं, इनकी ये सोचेगी शायद हम इंग्लिश के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, उसकी वजह से हमारा जो कल्चर है वो हम भूल रहे हैं। तो इस रीज़न की वजह से गाइस ये बिल जो है उन्होंने पेश किया संसद भवन में। तो मैं इटली कंट्री के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो गाइस देखिए इटली जो है काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी खूबसूरत कंट्री है, एंड गाइस इस कंट्री में इंडिया के बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो गाइस इटली में देखिए जो करेंसी चलती है वो यूरो करेंसी चलती है, यानी कि जो वैल्यू है आज के टाइम पर लगभग 92 रुपीज़ के नियर अबाउट चल रही है। तो इटली जो है देखिए एक यूरोपियन कंट्री है, शेंगेन कंट्री का पार्ट है, एंड गाइस आप इस कंट्री से तो ऑलमोस्ट 28 यूरोपियन कंट्री आप ट्रेवल कर सकते हो। इस कंट्री के जो गाइस कैपिटल सिटी है वेनिस है, सिटी में गाइस बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो घूमने के लिए आते हैं। सो गाइस इटली के सीजनल और नॉन सीजनल वर्क वीजाज के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस किस सेक्टर में या फिर कौन कौन सी जॉब्स आपको मिलेंगी और कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इटली का सीजनल वर्क वीजा ले सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि इटली के जो सीजनल वर्क वीजा होते हैं आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में मिलेंगे, एंड जो इम्प्लॉयर होता है गाइस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बुला सकता है इटली में। एंड गाइस आप लोग इस वीजा के अंदर इटली जाकर लगभग 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए पर मंथ इजीली अर्न कर सकते हो। एंड गाइस इसके अलावा जो इम्प्लॉयर होते हैं आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, आपको गाइस रहने के लिए घर, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, फूड, होम, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। तो गाइस ये जो इटली का सीजनल वर्क वीज़ा होता है या फिर नॉन सीजनल वर्क वीज़ा होता है वो हमें किस तरह से मिलेगा आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ। तो गाइस इटली का सीजनल या फिर नॉन सीजनल वर्क वीज़ा आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए गाइस सिंपल सा प्रोसेस है। प्रोसेस गाइस ये है कि आपको एक जॉब फाइंड करनी है, और गाइस जॉब हमें किस तरह से फाइंड करनी है वो मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि आप सबसे पहले सीवी कवर लेटर ज़रूर बनवा लीजिए जिस जॉब के लिए आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं, एंड गाइस उसके बाद में आप सिर्फ जॉब फाइंड कीजिए। तो गाइस देखिए जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि इटली में शायद इंग्लिश बैन होने वाली है, तो आपको गाइस जो सीवी कवर लेटर बनाना है वो कोशिश ये करनी है इटालियन लैंग्वेज में बनाए, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं देखिए इटालियन लैंग्वेज को इंग्लिश से बेटर समझते हैं। तो आप जो है इटालियन लैंग्वेज में अपना सीवी कवर लेटर बनाएं ताकि गाइस जो इम्प्लॉयर है आपको जल्द से जल्द सिलेक्ट करें, क्योंकि गाइस देखिए आपका सीवी कवर लेटर इटालियन लैंग्वेज में रहेगा तो इम्प्लॉयर को ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी आपके बारे में। एंड गाइस देखिए जो लोग एजुकेटेड उनको मैं बताना चाहता हूँ, सीवी कवर लेटर आप जब बनाओगे तो आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ ज़रूर करें। गाइस अगर आपके पास में गूगल ट्रांसलेट रहेगा तो किसी भी लैंग्वेज को आप ट्रांसलेट कर सकते हो। एंड गाइस जब आपकी लैंग्वेज ट्रांसलेट हो जाएगी तो आप अपना सीवी कवर लेटर बना सकते हो गूगल ट्रांसलेट की वजह से। एंड गाइस अगर आप लोग इटालियन लैंग्वेज में सीवी कवर लेटर नहीं बना पाऊंगा तो आप मुझसे बनवा सकते हो। एंड गाइस मैं जो देखिए ओबियसली गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करके आपका इटालियन लैंग्वेज में सीवी कवर लेटर प्रिपेयर करूंगा इटली के लिए जो सीजनल वर्क वीज़ा है फिर नॉन सीजनल वर्क वीज़ा। सो व्हाट्सअप नंबर गाइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत ही कम चार्ज में गाइस इटली का जो सीवी कवर लेटर आपका रेडी हो जाएगा, यूरो पास का बनेगा, क्योंकि देखिए गाइस सिर्फ यूरो पास का सीवी कवर लेटर आपका इटली में एक्सेप्ट होता है। एंड ऑब्वियसली गाइस आपको देखिए सीवी कवर लेटर इटालियन लैंग्वेज में बनवाना है ताकि इम्प्लॉयर आपको जल्द से जल्द सेलेक्ट करे। एंड इटालियन लैंग्वेज में गाइस आपका जो सीवी कवर लेटर रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि गाइस देखिए इंग्लिश वहाँ पर बैन होने वाली है तो प्रॉब्लम वैसे कुछ नहीं है, आप इंग्लिश में बनवा सकते हैं, बट इटालियन लैंग्वेज में रहेगा तो और अच्छी बात आपके लिए रही, आपको जॉब ज़रूर मिल जाएगी। तो गाइस देखिए जॉब जो है काफ़ी इजीली नहीं मिल पाती है, बहुत सारे लोग देखिए काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे हैं, और जैसे लास्ट ईयर भी देखिए वर्क वीज़ा इटालियन गवर्नमेंट ने इशू किया था तो बहुत सारे लोगों को जॉब मिली हुई थी, बट बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही, ठीक है गाइस देखिए वहाँ उनको किसी ने ये नहीं बताते कि किस जॉब पोर्टल पर गाइस जाकर हम जॉब फाइंड करें, किस जॉब पोर्टल पर हमें जॉब्स मिलेंगी, किस वेबसाइट पर हमें जॉब मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में गाइस
आपको लगभग 4 से 5 जॉब पोर्टल बताना, 4 से 5 वेबसाइट बताने वाला हूँ जिन वेबसाइट पर जाकर गाइज आपको जॉब्स फाइंड करनी है। एंड गाइज इन वेबसाइट पर आपको 100% जॉब्स मिल जाएंगी इटली के सीजनल या फिर नॉन सीजनल वर्क वीज़ाज के लिए। देखिए जब आप लोग इटली का सीजनल वर्क वीज़ा या फिर नॉन सीजनल वर्क वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे तो मैं यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स बता दें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। तो गाइज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास में जब गाइज आप इटली का सीजनल या फिर नॉन सीजनल वर्क वीज़ा अप्लाई करोगे। तो गाइज अभी मैं आपको वेबसाइट बताने वाला हूँ कौन सी वो ऐसी वेबसाइट है जिन वेबसाइट पर जाकर आपको जॉब्स फाइंड करनी है इटली के सीजनल या नॉन सीजनल वर्क वीज़ा के लिए। सो गाइज सबसे पहले मैं आपको एक लाइव प्रूफ दिखाता हूँ क्योंकि गाइज ये जो न्यूज़ है इटली के सीजनल वर्क वीज़ा से रिलेटेड अभी बहुत बड़े बड़े न्यूज़ अखबार में आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स में आ रही है। तो देखिए जैसे यहाँ पर ये एक आर्टिकल दिया हुआ है, इटली सीजनल वर्क वीज़ा 2023 44,000 वीज़ा इशू बाय इटली गवर्नमेंट। तो गाइज ये जो वीज़ा है देखिए रियल में शुरू किए गए हैं, यानी गाइज ये वीडियो कोई भी फेक वीडियो नहीं है, रियल वीडियो है। एंड गाइज आज की इस वीडियो में मैंने इस आर्टिकल का लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेंशन कर दिया, आप इस आर्टिकल को और ठीक से पढ़ सकते हैं, आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी इटली के सीजनल वर्क वीज़ा से रिलेटेड। तो ये जो वर्क वीज़ाज होते हैं गाइज इटली के सीजनल एंड नॉन सीजनल वर्क वीज़ा स्पेशली देखिए नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के लोगों के लिए शुरू किए जाते हैं, यानी इंडियन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिलीपीन किसी भी कंट्री के लोग गाइज इन वीज़ाज को लेकर इटली जा सकते हैं। एंड गाइज इटली के सीजनल वर्क वीज़ा को डेकोरेटिव फ्लूसी के नाम से भी जाना जाता है। इन वीज़ाज में गाइज एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट होती है वो देखिए 31 दिसंबर तक की है 2023, यानी गाइज अभी आप लोगों के पास टाइम है लगभग 5 से 6 महीने, आप गाइज जॉब फाइंड करना स्टार्ट कर दीजिए, आप एक एम्प्लॉयर फाइंड कर लीजिए इटली में। एंड गाइज आप जो है इटली के सीजनल वर्क वीज़ा लेकर इटली जा सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर देखिए आप डॉक्यूमेंट भी चेक कर सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप जो है नॉन यूरोपियन होने चाहिए, यानी आप इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान किसी भी कंट्री से हो सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं इटली के सीजनल वर्क वीज़ा के लिए। जॉब ऑफर लेटर सबसे पहले आपके पास में होना चाहिए और गाइज के बाद में वैलिड पासपोर्ट और क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड एंड गाइज फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आपके पास में थोड़ा पैसा होना चाहिए। सो गाइज देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीज़ा में आप 2 से 3 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए पर मंथ इजीली अर्न कर सकते हो। तो गाइज मैं आपको वेबसाइट बताने वाला हूँ जिन जॉब पोर्टल पर जाकर आप जॉब फाइन कर सकते हैं, जिन जॉब वेबसाइट पर जाकर आप गाइज इटली में स्पॉन्सरशिप फाइन कर सकते हैं। गाइज जब आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी तो गाइज आप काफ़ी इजीली डॉक्यूमेंट्स रेडी करके अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर गाइज देखिए आप 4 वेबसाइट देख रहे हैं, तो सबसे पहली वेबसाइट है वो ग्लासडोर, उसके बाद में दी लोकल एट, उसके बाद में रीड जॉब्स इन इटली, उसके बाद में टोटल जॉब्स इन इटली, उसके बाद में ट्रोवो लोवारो डॉट इटली। ठीक है गाइस, तो 4 से 5 वेबसाइट है, टोटल 5 वेबसाइट है, इन वेबसाइट पर जाकर आप गाइस जॉब फाइंड कीजिए इटली में।